एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड सेवंथ का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 हाउ सीजन्स अकर्ड पार्ट 1 लेसन सीखेंगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन क्लिक करो। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स लाइन से देख सको। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स फिर से रिकॉल करेंगे ताकि आपको यह लेसन आसानी से समझ आए। सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह हमारी अर्थ दो प्रकारे मूव होती है, रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। अर्थ जब खुद के एक्सिस पे रोटेट होती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। हमने पढ़ा कि 24 आवर्स यानी 1 डे होता है। खुद के एक्सिस पर रोटेट होते वक्त अर्थ सन के भी चक्कर काटती है, इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। सन का पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं। 365 डेज यानी पूरा 1 ईयर होता है। अब रहा सवाल कि अर्थ पर डे एंड नाइट कैसे होते हैं, तो इसका जवाब है कि जब सन की लाइट अर्थ पर परपेंडिकुलर यानी सीधी गिरती है तब अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ होता है वहां पर दिन होता है, और जिस पोर्शन पर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती यानी कि पीछे की साइड पर रात होती है। इस प्रकार अर्थ पर डे और नाइट होती रहती है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अर्थ पर सीजन कैसे होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इस लेसन के पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है। रेनी सीजन में डेज और नाइट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। विंटर सीजन में डेज शॉर्ट और नाइट्स लॉन्ग होती है। क्या आपको पता है 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे 2 दिन हैं जब डेज और नाइट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं? आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि सन हमेशा ईस्ट साइड से उगता है और वेस्ट साइड में जाके ढलता है, लेकिन हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट साइड रोटेट होती है तो हमको सन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए क्यों दिखाई देता है? यह कुछ इस तरह से काम करता है। इमेजिन करो कि आप एक कार में बैठे हो और आपकी कार वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। विंडो से बाहर देखने पर आपको ट्रीज या लाइट पोल्स पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट हम अर्थ से रिलेट करेंगे। आपको जो कार बताई थी वो हमारी अर्थ है जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और उस अर्थ में बैठे हुए हम लोग हैं जो सन की तरफ देखकर कहते हैं कि सन पीछे की साइड यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमको सन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आता है। हम अगला कॉन्सेप्ट एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे। इसके लिए हमें एक बड़ा सा व्हाइट पेपर लगेगा जिसे हम एक टेबल पर वर्टिकली फिक्स कर देंगे। उस पेपर के सामने रॉड या कैंडल खड़ी कर दो। हमें एक टॉर्च लगेगी जिसे हम उस पेपर के सामने रखकर एक जगह पर फिक्स कर देंगे। अब हम इस टॉर्च को चालू करके कैंडल की शैडो को ध्यान से देखेंगे। इस शैडो को हम उस पेपर पर मार्क करेंगे। अब हमें इस पूरे टेबल को पेपर और कैंडल के साथ धीरे से खिसकाएंगे। पेपर के ऊपर कैंडल की शैडो में डिफरेंस नजर आया? इस शैडो के पोजीशन को भी हम मार्क कर देंगे। इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि जैसे ही हमें टेबल की पोजीशन चेंज कर दी, शैडो की पोजीशन भी चेंज हो गई। अगर हम सनराइज और सनसेट की पोजीशन होराइजन पर पूरे साल भर के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इनके पोजीशन में चेंजेस दिखाई देंगे। इन चेंजेस को हम इस दूसरे एक्टिविटी में आसानी से देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमको एक 1.5 मीटर लॉन्ग स्टिक लगेगी। इस स्टिक को हमें वॉल से थोड़ी दूरी पर ग्राउंड में फिक्स करनी होगी। इस स्टिक को हमें पूरे साल भर के लिए बिना हिलाए वैसे ही रखनी होगी। पहले दिन इस स्टिक के शैडो को हम मार्क कर लेंगे। अगर यह शैडो दूसरे दिन बदलती है तो हमें उस पोजीशन को भी मार्क करना होगा। शैडो की पोजीशन मार्क करते वक्त हमें सनराइज और सनसेट की पोजीशन पर भी ध्यान देना होगा। इस एक्टिविटी को आप अभी के लिए करके रखो।
हम इस एक्टिविटी को चैप्टर नंबर 8 यानी इसके पार्ट 2 में फिर से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि एक्टिविटी करने की वजह क्या थी और इस एक्टिविटी पर हम आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।